हाँ तो नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए अनवरत आपके क्लास में आपके यूट्यूब चैनल पर प्ले विथ बायो पर ये ऑनलाइन क्लास का प्रसारण हो रहा है। कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया यानी शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया बताई थी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम शुक्राणु की संरचना के बारे में बताएंगे। प्रारंभ में जब स्पर्मेटोसिस का निर्माण होता है यानी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है तो या स्पर्म कोशिका का निर्माण होता है तो वो कोशिकाएं राउंड शेप्ड होती हैं, फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद द्वारा कई चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, जिससे एक कोशिका हैप्लॉयड कोशिका, नर जनक कोशिका एक टैडपोल के आकार की रचना में यानी स्पर्म में बदल जाता है। तो उसी की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो एक टैडपोल के आकार की रचना है जिसमें हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। अगर हम हेड की बात करें तो इसमें एक सबसे ऊपर की बात करें तो एक एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम पूरा का पूरा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का बना हुआ होता है। अब एक्रोसोम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का बना हुआ था, उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अंड की दीवार को डिग्रेड करने का काम करते हैं। उसके नीचे हैप्लॉयड न्यूक्लियस यानी कि अगर 23 क्रोमोसोम वाली न्यूक्लियस पाई जाती है तो इस तरह से बाकी सभी कोशिका जो माइटोकांड्रिया है वो मिडिल पीस में चली आती है, जिससे कि जो टेल है उसको कंपन करने में ऊर्जा प्रदान कर सके। जो सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में है वो मिडिल पीस के एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का निर्माण करता है और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल का निर्माण करता है। तो दोनों से तमाम स्पिंडल फाइबर यानी कि फाइबर निकलती हैं जो टेल की तरफ जाती है। मिडिल पीस ये बेसिकली माइटोकांड्रिया का बना हुआ होता है, इसमें माइटोकांड्रिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। बाकी कोशिका या तो डिजॉल्व हो जाते हैं, अधिकतर कोशिका केवल इसमें बचे हुए एक्रोसोम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस सही है, बाकी जो माइटोकांड्रिया है वो माइटोकांड्रिया टेल यानी मिडिल पीस में आ जाता है और इस तरह से ये क्रोमोस यानी कि जो शुक्राणु है उसकी संरचना शुक्राणु के गमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से हम शुक्राणु की संरचना कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि मध्य भाग, मिडिल पीस, हेड और उसके ऊपर एक्रोसोम। एक्रोसोम का हमने बताया ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का बना हुआ होता है और इसका न्यूक्लियस 23N होता है यानी हैप्लॉयड होता है। और पीछे की तरफ जो मिडिल पीस में है ये पूरा का पूरा भाग, इसमें माइटोकांड्रिया बहुत अधिक पाए जाते हैं। और अंतिम भाग जो वाइब्रेट करके जो है पर उसमें नलिका में या फेलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ने का काम करता है वो पूंछ यानी टेल होता है। और इसको वाइब्रेशन की ऊर्जा इसे माइटोकांड्रिया से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से शुक्राणुओं की संरचना बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं, बना करके देख सकते हैं। 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन आता रहता है। अब हम जो मानव जनन अंग है लगभग भाग जो है आपको बता चुके हैं। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बताया, शुक्राणुओं की संरचना बताई, मादा जनन अंग के बारे में डिस्कस किया हमने। तो धीरे धीरे हम इस चैप्टर को भी लगभग समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं।
लिखाना बड़ा असंभव बात है, बाकी आप पढ़ करके 2-3 बार पढ़ करके आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।